ज्यादा उर्वरक या कम खाद, कहीं कर ना दे मिट्टी बर्बाद, आपको मिलेगी ज्यादा उपज जब खेत रहेंगे आबाद। कृषि दर्पण। खेत में लगातार फसल लेते रहने के कारण मिट्टी से सभी आवश्यक तत्वों की निरंतर कमी हो रही है। असंतुलित पौध पोषण की दशा में फसलों की वृद्धि समुचित नहीं हो पाती और पौधों के कमजोर होने और रोग व्याधि कीट आदि से ग्रसित होने की संभावना अधिक रहती है। परिणाम स्वरूप फसल उत्पादन कम होता है। खेतों में उर्वरक डालने की सही मात्रा की जानकारी मिट्टी परीक्षण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए मिट्टी परीक्षण उर्वरकों के सार्थक उपयोग एवं बेहतर फसल उत्पादन हेतु बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि मिट्टी का नमूना लेने के बारे में इस खास रिपोर्ट में। जैसे किसी भी इंसान के लिए स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि शरीर में जो भी कमियां हों उन्हें दूर किया जाए, कमियों का पता लगाने के लिए जैसे हम मेडिकल जांच करवाते हैं, ठीक उसी तरह खेत की मिट्टी उपजाऊ बनी रहे इसके लिए जरूरी है कि मिट्टी में जिन पोषक तत्वों की कमी है उसकी पूर्ति की जाए। पौधों के उचित विकास के लिए 16 आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जैसे पोषक तत्वों में से पहले के 3 तत्वों को पौधे वायु और पानी से प्राप्त कर लेते हैं और बाकी के बचे 13 पोषक तत्वों के लिए ये भूमि पर निर्भर होते हैं। आमतौर पर ये सभी पोषक तत्व भूमि में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रहते हैं, लेकिन खेत में लगातार फसल लेते रहने के कारण मिट्टी से इन सभी आवश्यक तत्वों की निरंतर कमी बनी रहती है। ऐसे में बेहतर उपज के लिए खेत की मिट्टी की जांच बेहद जरूरी है, जिससे कि ये पता चल सके कि मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है और कौन सा पोषक तत्व मिट्टी में भरपूर है। मिट्टी परीक्षण के लिए सबसे अहम होता है कि मिट्टी का नमूना सही ढंग से एकत्र किया जाए। इसके लिए ये जरूरी होता है कि नमूना इस तरह से लिया जाए जिससे खेत में पोषक तत्वों की कमी के बारे में सही जानकारी मिल सके। सबसे पहले जानिए कि खेत में नमूना किस तरह से लिया जाए। मृदा नमूना लेने से पहले खेत को भौतिक दशा के अनुसार से 4-5 भागों में बांट लेना चाहिए। उसके बाद हर भाग से मिट्टी लेना बहुत जरूरी है। नमूना लेने से पहले खेत में ली गई फसल की बढ़वार एक समान रही हो, खेत में एक समान उर्वरकों का इस्तेमाल किया गया हो, जमीन समतल होने पर पूरे खेत से एक ही संयुक्त या प्रतिनिधि नमूना ले सकते हैं। परीक्षण के लिए नमूना फसल बोने के 1 महीने पहले भेजना चाहिए। मिट्टी लेते समय उनको 6x6 का एक गड्ढा खोदना पड़ता है, 6 इंच गहरा, उसमें से निकाल लेते हैं, पूरी मिट्टी निकाल के फेंक देते हैं। उसके बाद फिर वो आधी इंच दाब लगा करके मिट्टी चारों तरफ से उस गड्ढे में लेते हैं। जिस खेत में नमूना लेना हो उसमें जिगजैग प्रकार से घूमकर 10 से 15 स्थानों पर निशान बना लें, जिससे खेत के सभी हिस्से उसमें शामिल हो सकें। चुने गए स्थानों पर ऊपरी सतह से घास फूस, कूड़ा करकट आदि हटा दें। इन सभी स्थानों पर 6 से 9 इंच गहरा वी आकार का गड्ढा खोदें। गड्ढे को साफ कर खुरपी से एक तरफ ऊपर से नीचे तक 2 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की तह को निकाल लें। इसके बाद मिट्टी को किसी साफ बाल्टी या ट्रे में डाल लें। 4 जगह से एकत्रित की गई पूरी मिट्टी को हाथ से अच्छी तरह मिला लें और साफ कपड़े पर डालकर गोल ढेर बना लें। उंगली से ढेर को 4 बराबर भागों की मिट्टी अलग हटा लें। अब शेष 2 भागों की मिट्टी फिर अच्छी तरह से मिला लें और गोल बनाएं। ये प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक लगभग आधा किलो मिट्टी बची रह जाए, फिर इसे प्रयोगशाला में भेजें। सब जगह से मिट्टी ले लेते हैं, अब मिलान उसको इकट्ठा कर लेते हैं किसी टोकरी में, उसके बाद ले आते हैं, उसको मिलाते हैं। मिलाने के बाद उसमें से घास फूस जो भी है उसको निकालते हैं, भुरभुरी बनाते हैं। उसके बाद उसको 4 भागों में बांटते हैं। बांटने के बाद आमने सामने के भाग को जो है हटा देते हैं, फिर उसके बाद मिलाते हैं।
फिर उसके बाद अगल बगल चार भागों में बांटते हैं, फिर उसके बाद अगल बगल के भागों को हटाते हैं। इस प्रकार से प्रक्रिया करते करते जब आधा किलो मिट्टी रह जाती है तो वो मिट्टी ये मान ली जाती है कि पूरे खेत की नमूना विश्लेषण करने के लिए प्रतिनिधित्व करता है। अब इन तैयार नमूनों को मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में भेजें। मिट्टी जांच संबंधी सूचना पत्रक, कृषक का नाम, पिता का नाम, ग्राम मोहल्ला, डाकघर, विकास खंड, तहसील, जिला, खेत का खसरा नंबर, सर्वे, पहचान, सिंचित असिंचित, पहले ली गई फसल एवं मौसम, आगे ली जाने वाली फसल एवं मौसम, नमूना लेने वाले का नाम, हस्ताक्षर, दिनांक, मिट्टी संबंधी अन्य विशेष समस्या। नमूना विश्लेषण करने के लिए प्रतिनिधित्व करता है। अब उसको हम ले आते हैं, ले आने के बाद थैली में भरते हैं, उसमें कृषक का नाम, पिता का नाम, अपना ब्लॉक, न्याय पंचायत, जिला, राजस्व गांव और खसरा नंबर लिख करके हम उसके बाद उसको लेबोरेटरी में देते हैं। वहां उस लेबोरेटरी की में उसकी जांच होती है। खेत से एकत्रित किए गए नमूनों को किसान भाई अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की मदद से जिले की निकटतम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भिजवाएं। प्रयोगशाला में सामान्यतः मिट्टी परीक्षण कार्बनिक कार्बन, मृदा पीएच मान, विद्युत चालकता, उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का स्तर जानने के लिए किया जाता है। प्रयोगशाला में परीक्षण के नतीजों के मुताबिक आगे बोई जाने वाली फसल के लिए उर्वरक और खाद की दी जाने वाली मात्रा की सिफारिश की जाती है। जांच कराना चाहते हैं वो या तो सीधे मृदा नमूना लेकर के हमारे लेबोरेटरी तक आ जाएं, अगर वो नहीं आ सकते हैं तो ब्लॉक पर हमारे कर्मचारी हैं, हमारे कर्मचारी न्याय पंचायत पर नियुक्त हैं जिनको प्राविधिक सहायक सी के नाम से जाना जाता है, उनको वो दे दें, वो नमूना हमारे लैब तक आ जाएगा और लैब में उसकी जाँच होकर के उनको स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड उनके यहाँ तक पहुँचा दी जाती है। नमूना इकट्ठा करते समय सावधानी, जहां खाद का ढेर रहा हो वहां से नमूना ना लें, पेड़ों मेढ़ों रास्तों के पास से नमूना ना लें, साफ औजारों यानी जंग रहित औजारों और साफ थैलियों का उपयोग करें, नमूनों के साथ सूचना पत्रक अवश्य रखें। याद रखें कि खेत का मिट्टी परीक्षण उतना ही आवश्यक है जितने की स्वास्थ्य के लिए चिकित्सक से जांच करवाते रहना, जो कि 3 साल के अंतराल पर फिर से करवाना जरूरी होता है। मिट्टी परीक्षण हेतु शासन द्वारा निर्धारित रियायती दर, शासन द्वारा किसानों के खेती की मिट्टी के सूक्ष्म तत्व विश्लेषण करने हेतु सामान्य कृषकों के लिए प्रति नमूना शुल्क निर्धारित किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तेज गर्मी और बारिश में देरी ने पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़े किसानों की समस्या बढ़ा दी है। भीषण गर्मी से मुर्गियों की मृत्यु दर में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका खामियाजा मुर्गी पालकों को उठाना पड़ सकता है। लेकिन ठहरिए, अगर आप कुछ बातों को अमल में लाएं तो गर्मी से होने वाली समस्या से बचा जा सकता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आप चाहे खेती करते हो, पशुपालन, मुर्गी पालन या मछली पालन, वक्त के साथ तकनीक के साथ चलना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही आपको मौसम का भी ख्याल रखना होगा। बदलते मौसम के साथ इन सब क्रियाओं में बदलाव जरूरी है। जैसे अभी तेज गर्मी का मौसम है तो किसी भी जीव के पालन में आपको इसका ख्याल रखना होगा, तभी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। अब जैसे गर्मी में मुर्गी पालन करने वालों के लिए जरूरी है कि तापमान की तेजी से मुर्गियों को बचाया जाए, क्योंकि गर्मी अधिक पड़ने से मुर्गियों की मृत्यु दर में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इससे मुर्गी पालकों को भारी वित्तीय नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन अगर आप गर्मी के इस मौसम में
थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो मुर्गियों को इन दुष्प्रभावों से बचाकर आप ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, ऐसे में आपको इन पोल्ट्री बर्ड्स का खास ध्यान रखना होता है। ज्यादा गर्मी पड़ने पर फैन की व्यवस्था करें। पोल्ट्री फार्म के अंदर पल रहे चूजों को बचाने के लिए छतों पर पुआल बिछाकर साथ ही छतों पर फवारा चलाकर तापक्रम नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ ही लू से बचाने के लिए चारों तरफ टाट के बोरे लगाकर पानी का छिड़काव करें। बाड़े के आसपास घने छायादार वृक्ष लगाएं। बाड़े में ज्यादा तादाद में मुर्गियां ना रखें, इतनी ही मुर्गियां रखें जिससे वहां ज्यादा भीड़ ना हो। गर्मी के मौसम में हमारा जो हीट स्ट्रोक से मुर्गियां मरती हैं उसे बचाए रखने के लिए आवास पे विशेष ध्यान रखें। जो खिड़कियां हैं जाली उनको हम ढक करके रखें टाट या बोरे से, हम कि समय समय पर यदि हम गर्मी का जो लू का प्रकोप होता है तो हम पानी का छिड़काव करें तो वो उसके अंदर ठंडा वातावरण उचित तापक्रम बना रहे। मुर्गियों को आमतौर पर दिए जाने वाले आहार ही दें। बस गर्मियों में ध्यान रखें कि दाने को या तो गीला कर लें या जब मौसम ठंडा हो तो उन्हें खाने के लिए दाना दें। गीला दाना ठंडा होगा जिसका मुर्गियां ज्यादा सेवन करेंगी, लेकिन ध्यान रखें कि गीला किया दाना शाम तक खत्म हो जाए वरना उसमें बदबू आ सकती है। दाने की बोरी को कभी भी गीला ना करें। गर्मी के मौसम में उत्पन्न तनाव व हीट स्ट्रेस को कम करने के लिए मल्टी विटामिन, विटामिन सी और लाइसिन की अधिक जरूरत होती है। हम प्री स्टार्टर राशन देते हैं, फिर इसके बाद ब्रायलर राशन, ब्रायलर उसमें स्टार्टर राशन, ब्रायलर हमारा ग्रोअर राशन और फिंसर राशन हम इसको इस्तेमाल करते हैं जो कि बाजार में बना बनाया रेडीमेड आता है। ब्रायलर मुर्गा 1 किलो दाना खाने पर 2 से 3 लीटर पानी पीता है। गर्मियों में पीने का पानी दोगुना हो जाता है, इसलिए गर्मियों में पानी के बर्तनों की संख्या बढ़ा दें, क्योंकि तेज गर्मी में अगर मुर्गियों को 1 घंटे भी पानी ना मिले तो हीट स्ट्रोक से उनकी मृत्यु हो सकती है। पानी के बर्तनों की संख्या बढ़ाने के साथ ही ये भी ध्यान रखें कि धातु के बर्तन में पानी जल्दी गर्म हो जाता है और आमतौर पर मुर्गियां गर्म पानी नहीं पीती है, इसलिए अगर हो सके तो मिट्टी के बर्तन में पानी रखें। तापमान ऊपर जाने की स्थिति में मुर्गियों के पानी में इलेक्ट्रल एनर्जी पाउडर मिला दें, इससे मुर्गियों को गर्मियों से निपटने में मदद मिलेगी। इसके अलावा किसान भाई ज्यादातर जो थोड़ा सावधानी रखें कि इसमें हम पानी गर्मियों में स्वच्छ पानी दें, दिन में दाना इनको न दें, सुबह शाम ही दें 5 बजे के बाद और सूर्योदय होने के पहले और सूर्यास्त होने के बाद ही हम दाना दें। अगर आप इस भीषण गर्मी वाले मौसम में इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो गर्मी में भी मुर्गी पालन कर अधिक से अधिक लाभ कमा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है जब लगभग हर भारतीय घर के आंगन में एक तुलसी का छोटा सा पेड़ मिल जाता था। शहरीकरण की आंधी में ना आंगन रहे और ना ही तुलसी का पौधा, लेकिन आज के वक्त में इसका कमर्शियल महत्व काफी बढ़ा है क्योंकि दवाई बनाने वाली कंपनियों में तुलसी की मांग कई गुना बढ़ गई है। अगर आप कम समय और कम लागत में कमाई का विकल्प तलाश रहे हैं तो आपके लिए तुलसी की खेती फायदेमंद साबित हो सकती है। आइए आज जानते हैं तुलसी की खेती की सही तकनीक के बारे में। तुलसी को हमारे देश में एक पवित्र पौधा माना जाता है, इसीलिए तुलसी के पौधे अधिकतर घरों में पाए जाते हैं और इसकी देवी मानकर पूजा भी होती है। धार्मिक महत्व के साथ साथ तुलसी हेल्थ के लिहाज से भी बहुत अहम है। आयुर्वेद में तुलसी का उपयोग औषधियां बनाने के लिए किया जाता है। तुलसी हमारे शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीबायोटिक का भी काम करती है। आमतौर पर तुलसी को धार्मिक मामलों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन मेडिसिनल गुण वाली तुलसी की खेती से भी अच्छी कमाई की जा सकती है। तुलसी के तेल का इस्तेमाल कई रोगों की दवा बनाने के लिए किया जाता है। बुखार, खांसी और डाइजेशन से जुड़ी समस्या रहने पर इसकी पत्तियों के रस को उपयोग में लाते हैं। इसका रोज सेवन करने से कई तरह के रोगों से राहत मिलती है। देश में हर साल फैलने वाली डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए इसी से बनी दवाओं का इस्तेमाल होता है।
इसके अलावा तुलसी का उपयोग साबुन, इत्र, शैंपू और लोशन बनाने में भी किया जा रहा है, जिसके कारण आयुर्वेदिक और कॉस्मेटिक्स की कंपनियों की तरफ से इसकी हाई डिमांड है। भारत के उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में तुलसी की खेती व्यावसायिक तौर पर की जाती है, जिसकी खेती देश के कई इलाकों में अप्रैल से लेकर अगस्त के महीने तक की जाती है। नर्सरी डालने के एक माह के बाद जब छोटे छोटे पौधे इसके तैयार होते हैं तो उसको वहाँ से उखाड़ के उन पौधों को हम लोग खेत में रोपाई करते हैं, जो 15 जून या फिर जुलाई तक ये काम समाप्त हो जाता है। सीमेप लखनऊ में सिम सौम्या नाम की तुलसी की एक उम्दा किस्म तैयार की गई है, जिसकी पैदावार लगभग 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। तुलसी की यह किस्म 90 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। तुलसी की खेती आमतौर पर सामान्य मिट्टी में आसानी से हो जाती है। मोटे तौर पर कहें तो अच्छे जल निकास वाली भुरभुरी और समतल बलुई दोमट, क्षारीय और कम लवणीय मिट्टी में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। अप्रैल मई महीने में एक हेक्टेयर खेत के लिए लगभग 200 से 300 ग्राम बीजों से नर्सरी पौध तैयार करते हैं। इसके बाद रोपाई के लिए 4-5 पत्तियों वाले पौधे लगभग 6 हफ्ते में तैयार हो जाते हैं। पौधों को जो कि क्यारी बना करके हमने अंकुरित किया है, उसको 20 से 30 सेंटीमीटर जो ऊंचे हो गए हैं उनको फिर वहां से उखाड़ करके इसमें करीब 40 से 60 सेंटीमीटर या 1.5 से 2 फीट की दूरी पर इसको मतलब रोपाई किया जाता है। तुलसी के पौधे के तमाम भागों का औषधीय इस्तेमाल होता है, इसलिए बेहतर होगा कि रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल ना करें या बहुत कम करें। एक हेक्टेयर खेत में 10-15 टन खूब सड़ी हुई गोबर की खाद या 5 टन वर्मी कंपोस्ट सही रहती है। अगर केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ ही जाए तो मिट्टी की जांच के अनुसार ही इनका इस्तेमाल करना चाहिए। सिफारिश की गई फास्फोरस और पोटाश की मात्रा जुताई के समय और नाइट्रोजन की कुल मात्रा 3 भागों में बांट कर 3 बार में इस्तेमाल करना चाहिए। जब इसकी रोपाई करवाते हैं तो खेत की जुताई करवा करके उसके अंदर करीब 30 किलोग्राम उर्वरक नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और करीब 30 किलोग्राम पोटास इसको पहले डाल दिया जाता है, मतलब जुताई करने के बाद में। पहली सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद करनी चाहिए, उसके बाद मिट्टी की नमी के मुताबिक सिंचाई करनी चाहिए। वैसे गर्मियों में हर महीने 3 बार सिंचाई की जरूरत पड़ सकती है, बरसात के मौसम में सिंचाई की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। जब पौधों में पूरी तरह फूल आ जाएं, तो रोपाई के 3 महीने बाद कटाई का सही समय होता है। ध्यान रहे कि तेल निकालने के लिए पौधे के 25-30 सेंटीमीटर ऊपरी तना की कटाई करनी चाहिए। जब तुलसी बड़ी होती है, जब उसके कटिंग के लिए होती है, तो उसको बकायदा बड़े साफ सफाई तरीके से इसको काटी जाती है और इसको काट के हम लोग घर पे धुल के और इसको प्रोसेस करते हैं और एक एक पत्ती प्लक की जाती है लोगों के द्वारा, और प्लक करने के उपरांत इसको सुखा के ऑर्गेनिक इंडिया को हम सप्लाई करते हैं। मोटे तौर पर तुलसी की पैदावार करीब 5 टन प्रति हेक्टेयर साल में 2-3 बार ली जा सकती है। आमदनी तेल की गुणवत्ता, मात्रा, बाजार मूल्य और किसान की समझदारी पर निर्भर होती है। फिर भी माहिरों के अनुसार एक हेक्टेयर खेत से लगभग 1 क्विंटल तेल की प्राप्ति होती है, जिससे तकरीबन 40,000 से 50,000 रुपए हासिल किए जा सकते हैं। एक एकड़ में 30 बिस्वा भूमि होती है और हम अगर अच्छी तुलसी की खेती करें तो 20 से 30 क्विंटल पत्तियों का हम उपयोग में लाने हेतु हमें प्राप्त हो जाते हैं। अगर उसको सुखाया जाए तो वो 1/6 के रेशियो में आती है, मतलब 3 क्विंटल पत्ती हमें प्राप्त हो सकती है और 3 क्विंटल पत्ती का दाम हमें इस समय के दाम के अनुसार 30,000 रुपया या 35,000 रुपये तक प्राप्त हो सकते हैं केवल पत्तियों से। 8,000 से 10,000 की लागत लगेगी मजदूरी तुलसी की प्लकिंग वगैरह लेके, और 20,000 का फायदा हमको पर एकड़ पे शुद्ध रूप से हो सकता है। सबसे अच्छा होगा कि इसकी खेती करने से पहले मार्केटिंग के बारे में गहराई से जानकारी इकट्ठा कर लें, ताकि इसे बेचने के लिए भटकना ना पड़े और उत्पाद का वाजिब मूल्य भी मिल सके।
यहाँ तुलसी की खेती हम लोग जब शुरू किए उसके बाद ऑर्गेनिक इंडिया के द्वारा एक यहाँ फैक्ट्री भी स्थापित कर दी गई है जो हमारी तुलसी के प्रोडक्ट को लेती है और उसको बाजार में उछाती है, वो लॉन्च करती है। बिक्री के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप अपने पास की मंडी में एजेंट से बात करें। दूसरा, इंटरनेट पर तुलसी की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाने वाली दवा कंपनियां या एजेंसियों को सर्च करें, उनसे बात करें और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ही इसकी खेती करें। इस तरह आप खेती के पैटर्न को बदलकर इससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। बस जरूरत है थोड़ी सी सूझबूझ और जानकारी की, फिर क्या, आपके लाभ का दायरा बढ़ता जाएगा। कृषि दर्पण, जी मीडिया।